लड़के बनो ब्रेन बाजी के तुम नवाब द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रेन बाजी। आज मराठी में वाद दिवस साच्य हार्दिक शुभेच्छा अनुष्का शर्मा माने अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू अनुष्का शर्मा, सो हैप्पी फॉर यू। और ये देखिए कितनी खुश लग रही है, कितनी ज़्यादा हैप्पी ऑब्वियसली। और वैसे मैंने विश मराठी में इसीलिए बोली क्योंकि आज महाराष्ट्र डे भी है, आज के दिन महाराष्ट्र स्टेट बना था। आपको पता है वैसे अनुष्का शर्मा एक दिन मॉल में घूम रही थी, जीन्स ले रही थी और ऐसे में ही शी वॉज स्पॉटेड एंड ऑफर्ड अ मॉडलिंग रोल। पर जीन के कहने का तात्पर्य है कि गुड थिंग्स कैन कम योर वे एनी डे। तो आज टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रेनबाजी जीतने के लिए तैयार है ना, क्योंकि मैं तैयार हूँ अपने 9 क्वेश्चंस के साथ जो आपसे पूछने वाली हूँ। एंड सारे के सारे क्वेश्चंस है फ्रॉम टुडेज द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर। क्वेश्चंस के साथ आपको दूंगी 3 ऑप्शंस एंड 10 सेकंड्स, ऑब्वियसली गेम के रूल्स है वो। और जब आप दे देंगे सारे के सारे सवालों के सही जवाब तो आप जीत सकते हैं प्राइज मनी में से अपना शेयर। कितना होता है प्राइज मनी बताती हूँ, 50,000 रुपीज का शेयर आप ही का होने वाला है आज, बिल्कुल अभी। और क्या होगा आपका वो भी बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है इस गेम में, इट इज कॉल्ड द एजेंट राणा सवाल, ओपन टू ऑल क्वेश्चन है। इसका सही जवाब जब आपने दे दिया बिना लाइफ यूज किए तो आपको मिलेगी एक एक्स्ट्रा लाइफ, जो बड़े काम की चीज होती है बॉस, बड़े काम की चीज होती है। पोल बाजी में भी यूज कर सकते हैं आप इस लाइफ को, और गेम में ऑटोमेटिकली यूज हो जाती है, एक गेम में एक लाइफ होती है। सब कुछ मैंने बता दिया है तो शुरू करते हैं आज का ये एडिशन ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रेनबाजी, द इजीएस्ट क्विज टू विन। हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्लोज टू 20,000 पीपल, तो आप सबके लिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इंडिया के T20 लीग में दिल्ली टीम के एडवाइजर कौन है? आपके ऑप्शन है रिकी पॉन्टिंग, सौरव गांगुली या फिर मोहम्मद कैफ। अच्छा, दिस मंथ हैज बिन वेरी एक्साइटिंग, जीओटी का एपिसोड, एवेंजर्स एंड गेम, एंड ऑफ कोर्स हम इंडियंस के लिए तो द लिस्ट इज टॉप बाय T20 लीग। फिलहाल दिल्ली टॉप पर है और ये 7 साल पहले हुआ था, एज इन दिल्ली टॉप 7 साल पहले था। और आज दिल्ली का मैच है चेन्नई के साथ, नंबर 1 एंड नंबर 2 टीम्स दोनों ही आज खेल रहे हैं, तो देखा जाएगा क्या होगा। अभी देखा जाएगा जवाब, क्योंकि मेरे पास आ गया है सौरव गांगुली इज द आंसर दैट आई वाज लुकिंग फॉर। सौरव गांगुली है एडवाइजर, रिकी पॉन्टिंग है हेड कोच एंड मोहम्मद कैफ है असिस्टेंट कोच। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? सही जवाब दिया 12,000 से ज्यादा लोगों ने, नहीं हुए कंफ्यूज। अच्छा, 2,170 पीपल हो गए कंफ्यूज, लाइफ यूज हो गई। 20,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से क्या सिखिज्म के 3 प्रिंसिपल्स में से एक नहीं है? 1 चखना, किरत करनी या फिर एक ओंकार। 2019 marks the occasion of 550 years of Guru Nanak Dev's birth. अच्छा, वन चखना उनके principles में से एक है, जिसका मतलब है जो आपके पास है वो community के साथ share करे। कीरत करनी another principle which means एक honest pure life lead करना। जवाब आप समझ ही चुके हैं, मैं बता देती हूँ, एक ओंकार एक प्रिंसिपल नहीं है और जवाब भी वही है। एक ओंकार का मतलब है वन सुप्रीम रियलिटी, एज इन वन गॉड। सही जवाब दिया 7,222 लोगों ने, 4,000 से ज्यादा लोगों ने की है लाइफ यूज, क्लोज टू 6,200 पीपल गेटिंग दिस वन इनकरेक्ट। एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, 20,000 लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 3 आप सबकी स्क्रीन पर एकदम तैयार ये रहा। नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को कब अनाउंस किया था? आपके ऑप्शन है 2016, 2015 या फिर 2014। रोटी, कपड़ा, मकान और अब इंटरनेट, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है आज के डे एंड एज में। और एक चीज विच इज सो बेसिक दैट वी ऑलमोस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड आर टॉयलेट्स, बट विद द लॉन्च ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन हर एक इंडिविजुअल ने हाइजीन, सेफ्टी एंड एक बेहतर जिंदगी के सपने को रियलिटी में बदलते देखा है। जवाब मेरे पास आ गया है, 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका मिशन है कि इंडिया के कोने कोने तक स्ट्रीट्स, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लीन अप किया जाएगा और बेटर किया जाएगा। और बॉलीवुड ने भी वैसे बहुत काफी हेल्प की है अवेयरनेस जनरेट करने में विद फिल्म्स लाइक टॉयलेट, एक प्रेम कथा एक्सेट्रा। सही जवाब दिया 8,000 से ज्यादा लोगों ने, और हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विद 9,295 पीपल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्लोज टू 20,000 पीपल। आपके लिए सवाल ये रहा, एक फेमस डायरेक्टर जॉन सिंगलटन हु डाइड रिसेंटली, इनमें से कौन से टीवी शोज के साथ इन्वॉल्व नहीं थे? बिलियंस, सूट्स या फिर आपका थर्ड ऑप्शन है एम्पायर।
जॉन सिंगलटन बहुत ही जाने माने डायरेक्टर थे और जो तीन शोज हैं वो भी बहुत पॉपुलर हैं, पर क्योंकि मैं फिल्मों की शौकीन हूँ तो अभी रेकमेंड करने वाली हूँ, तो रेडी हो जाइए। इनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू बॉयज एंड द हुड, जो इन्हीं की लाइफ से इंस्पायर्ड है, वॉज नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर्स। फरजीन हाईली रेकमेंड्स दिस वन एंड जॉन ने बिलियंस एंड एम्पायर के एपिसोड्स भी डायरेक्ट किए। तो जवाब आप समझ ही चुके हैं, सूट्स इज द आंसर दैट आई वाज लुकिंग फॉर। सूट्स बाय द वे एक बहुत ही पॉपुलर शो है अबाउट लॉयर्स इन देयर लाइफ, यू कैन वॉच इट एज वेल। John passed away on the 29th of April. Huge loss for the industry and Oscar Academy ne bhi ye tweet share kiya tha. That's him. Sahi jawab diya 7000 se zyada logo ne. Aur ab hum aage badh rahe hain towards the next question, which is question number 5 on this edition of the Times of India BrainBaazi. Ekdam taiyar, aapki screens par sawal ye raha. Apni earning ka 1/10 hissa community ke saath share karne ki is Sikh pratha ko dash kaha jata hai. Fill in the blank. लंगर, दसवंत या फिर अमृत वेला। आज अगर आपने टाइम्स ऑफ इंडिया का स्पीकिंग ट्री आर्टिकल देखा हो, देयर इज अ ब्यूटीफुल पीस अबाउट द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक। सिखिज्म में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन कम्युनिटी सर्विस और ये बिलीव हम सब ने देखा भी है। लातूर में सूखे के टाइम पर खालसा एड ने पानी बांटा था, सीरियन रिफ्यूजीज को लंगर और मैनचेस्टर ब्लास्ट के टाइम पर फ्री टैक्सी राइड्स एंड गुरुद्वारे में फ्री फूड भी प्रोवाइड किया था। जवाब मेरे पास आ गया, दसवंत है सही जवाब। दसवन, जैसे कि नाम सुनकर आप समझ ही गए होंगे, इट मीन्स अ टेंथ पार्ट, एन एक्ट ऑफ डोनेटिंग 10% ऑफ वन्स हार्वेस्ट। आप फाइनेंशियल तरीके से भी या फिर टाइम और सर्विस के जरिए भी हेल्प कर सकते हैं। सही जवाब दिया है 5000 से ज्यादा लोगों ने, क्या बात है, वेरी इंप्रेसिव। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 6, एकदम तैयार, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक US रिपोर्ट ऑन रिलीजन के हिसाब से इंडिया के समान श्रेणी में कौन सी कंट्री नहीं है? आपके ऑप्शन है लाओस, ईरान या फिर मलेशिया। 2018 में द यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने इंडिया को प्लेस किया ऑन इट्स टीयर 2 लिस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि हम सेकंड आ गए। कंट्रीज आर प्लेस्ड इन टीयर 2 फॉर एंगेजिंग इन और टॉलरेटिंग रिलीजियस फ्रीडम वायलेशंस। इस रिपोर्ट के बेसिस पर हमें थोड़ा सा ओपन माइंडेड होने की जरूरत है। जवाब मेरे पास आ गया है एंड द आंसर दैट आई वाज लुकिंग फॉर इज ईरान। ईरान टीयर 1 में है अलॉन्ग विद चाइना, बर्मा, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सीरिया, वियतनाम एक्सेट्रा। सही जवाब दिया 4000 से ज्यादा लोगों ने और अब हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है ओपन टू ऑल सवाल। ये है हमारा एजेंट राणा सवाल। 18000 से ज्यादा लोग जो अभी जुड़े हुए हैं, आप सब अटेम्प्ट कर सकते हैं इस सवाल को। सही जवाब दे दीजिएगा बिना लाइफ यूज किए, तो एक एक्स्ट्रा लाइफ आपकी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आज के एजेंट राणा में राणा डैश से पासवर्ड पूछता है टू एंटर माँ भारती स्टैचू। Fill in the blank. Ranjoti, Randhir या फिर Ranvijay। बहुत खुशी का माहौल है with music and dancers and a lot of rose petals around the माँ भारती statue. सब slogans गा रहे हैं, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। और वहीं एजेंट राणा को स्टैचू के ठीक पीछे मिलते हैं वो जिसे एजेंट ब्लैकमेल कर चुकी है टू लेट हर इन। जवाब मेरे पास आ गया है एजेंट राणा सवाल का एंड रंजोति इज द आंसर दैट आई वाज लुकिंग फॉर। थिंग्स गेट सुपर सीरियस व्हेन एजेंट राणा रंजोति को थ्रेटन करते हैं और ये ग्राफिक नॉवल आप पढ़ सकते हैं इन द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर। सही जवाब दिया 10000 से ज्यादा लोगों ने बिना लाइफ यूज किए, तो आपको मिलती है एक एक्स्ट्रा लाइफ। अभी हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एकदम तैयार, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इंडिया के वो दो स्टेट्स कौन से हैं जिनके रूरल एरियाज अभी तक ओपन डेफिकेशन फ्री नहीं बने हैं? आपके ऑप्शन है नागालैंड, झारखंड, बिहार एंड पंजाब या फिर गोवा एंड ओडिशा। जब स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था तब सिर्फ 38.7% रूरल हाउसहोल्ड्स में टॉयलेट्स थे, पर 92.6 मिलियन एडिशनल टॉयलेट्स बनने की वजह से अब 99.1% का सक्सेस रेट है। कई क्रिटिक्स ने कहा कि जिनके घर में मतलब हाउसहोल्ड्स में टॉयलेट्स हैं वो नहीं यूज करते हैं, बट रिपोर्ट सेज 96% हाउसहोल्ड्स ये टॉयलेट्स यूज करते हैं, which is a great step forward. Goa and Orissa abhi bhi 100% open defecation free nahi hua hai, kyunki ek January report ke hisab se yahan only 78% toilet coverage hua hai jab other states mein 99% coverage hua hai. Sahi jawab diya 4000 se zyada logon ne, 282 logon ne ki hai life use. Aur ab hum aage badh rahe hain towards the final question on this edition with me Farzeen. Question number 9, ekdam taiyar aapki screens par, good luck to you. Ye raha, जॉन सिंगलटन को जिस फिल्म के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन मिला वो उन्होंने या फिर 20।
आज का ग्लोबल सेक्शन से है ये सवाल. जॉन सिंगलटन पास्ड अवे एंड एकेडमी ने ट्वीट भी किया अबाउट लूजिंग दिस ब्रिलियंट डायरेक्टर. कई बार ना हम बहुत अच्छी फिल्म्स मिस कर जाते हैं क्योंकि पता ही नहीं चलता है. बट डोंट वरी, व्हेन आई एम हियर, बॉयज एंड द हुड मैं रेकमेंड कर चुकी हूँ. सिंगलटन की ऑलमोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी. वो 22 इयर्स के थे जब उन्होंने ये फिल्म शूट करनी शुरू की थी और इसे कई बड़े प्रोडक्शन हाउसेज ने ना उनसे खरीदने की कोशिश की, बट ही रिफ्यूज बिकॉज ही हैड अ क्लियर विजन. सही जवाब दिया है 808 लोगों ने, 862 लोगों ने की है लाइफ यूज, और आज के विनर्स बनते हैं 1670 पीपल. कंग्रेचुलेशंस आप सबको. आप सबके लिए सेलिब्रेशंस तो बनती है बॉस. कंग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस. तारे तो मैंने दिखा दिए, अब अपने से स्टारी शक्लें आप सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए. स्माइल करके फोटोज खींचे, वीडियोस बनाइए, बूमरैंग्स बनाइए. बाजी नाउ इज़ अ सोशल मीडिया हैंडल. कॉन्ग्रेचुलेशंस SGH, रवि शेखर, अविनाश, निखिल, शहनाज, आदित्य, सुदीप्त, आनंद, ऋषभ, बहुत बहुत मुबारक हो. 29 रुपीज मुबारक हो आपको. और अब नेक्स्ट विनर लिस्ट में मैं चाहती हूँ कि आपका नाम फिर से आए, इसीलिए बता देती हूँ ठीक 9 बजे खेलिए पोल बाजी, 1 बजे खेलिए ब्रेन बाजी प्लस, 3 बजे के लिए पोल बाजी मिनी, 4:30 बजे बिंगो बाजी. ऐसे ही खेलते रहिए, जीतते रहिए. स्प्रेड द चीयर एंड गुड नाइट वेयर एवर यू आर. होप इट्स हैप्पी जस्ट लाइक मी. द टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्रेन बाजी.